नमस्कार बच्चों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टैटिक्स में अपने पढ़ रहे थे इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था आधार बदलना, बेस शिफ्टिंग। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि जब स्तर आधार वर्ष में बदलाव है वो कैसे किया जाता है, और आज अपने पढ़ते हैं श्रृंखला आधार वर्ष में परिवर्तन, यानी श्रृंखला आधार वर्ष में जो बदलाव है वो किस प्रकार किया जाएगा। नए आधार वर्ष के पुराने श्रृंखला सूचकांक को 100 मान लिया जाता है, यानी जो हम नया आधार वर्ष मानेंगे उसमें जो पुराना श्रृंखला सूचकांक है उसको हम 100 मान लेंगे, और अन्य वर्षों के नए श्रृंखला आधार निर्देशांक या सूचकांक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। न्यू चेन बेस इंडेक्स नंबर बराबर करंट ईयर ओल्ड CBI, मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर बट्टे न्यू बेस ईयर ओल्ड CBI चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100। फॉर्मूला वो सेम ही है जो इस तरह आधार वर्ष में था, उसमें क्या है करंट ईयर का ओल्ड इंडेक्स बट्टे न्यू बेस ईयर का ओल्ड इनटू 100। यहाँ पर भी वही है करंट ईयर का ओल्ड बट्टे न्यू बेस ईयर का ओल्ड इनटू 100। 2009 के आधार पर निम्न श्रृंखला आधार सूचकांकों से आधार वर्ष 2012 में परिवर्तित करके श्रृंखला आधार सूचकांक ज्ञात करो। यहाँ सूचकांक दे रखे हैं अपने को, वो कह रहे हैं कि 2009 से आधार मानकर ये श्रृंखला सूचकांक निकाले गए थे, और अब हमारे को 2012 को आधार मानकर श्रृंखला सूचकांक है वो ज्ञात करने हैं। तो ईयर दे रखे हैं 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और इंडेक्स नंबर दे रखे हैं अपने को इन सालों के। ये कह रहा है कि ये जो श्रृंखला आधार सूचकांक है ये 2009 को आधार मानकर निकाले गए थे। हालांकि वैसे क्या है कि श्रृंखला आधार सूचकांक में कोई बेस ईयर होता नहीं, ठीक पिछला साल उसका बेस ईयर होता है, लेकिन जिसका अपने 100 मानते हैं ना, जो प्रथम साल जो होता है जिसका 100 मानते हैं उसको यहाँ पर एक तरीके से बेस ईयर मान लिया जाता है। तो इसको अपने हल करना, अब ये कह रहा है कि 2012 में इसको परिवर्तित करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू चेन बेस इंडेक्स नंबर, ईयर अपने को देर के 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और CBI 2009 के आधार पर देर के 100, 110, 90, 50, 108, 120 और 98, और अपने को निकालना है CBI चेन बेस इंडेक्स नंबर 2012 को आधार लेते हुए। तो क्या है कि 2012 का तो 100 मानेंगे, 2012 का तो 100 हो जाएगा न्यू चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब क्या करेंगे, करंट ईयर का ओल्ड 100 इनटू, देखो करंट ईयर का ओल्ड 100 बट्टे न्यू बेस ईयर का ओल्ड, न्यू बेस ईयर का ओल्ड है 50, तो 100 बट्टे 50 इनटू 100 तो 200, यहाँ पर 110 है तो 110 बट्टे 50 इनटू 100 220, 90 बट्टे 50 इनटू 100 180, 108 बट्टे 50 इनटू 100 216, 120 बट्टे 50 इनटू 100 240, और 98 बट्टे 50 इनटू 100 196। यानी वो सेम ही तरीका है कि जिसको हम आधार मानेंगे, जैसे इस सवाल में हमने 2012 को आधार माना तो इसका तो हो जाएगा 100, और बाकी का निकालने का फॉर्मूला है करंट ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर बट्टे न्यू बेस ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर, न्यू बेस ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर, और इनटू कर देंगे 100। तो ये था बच्चों आधार बदलना,
बेस शिफ्टिंग, स्तर आधार वर्ष में परिवर्तन और श्रृंखला आधार वर्ष में परिवर्तन कैसे किया जाता है। और अब हमारा टॉपिक है स्तर आधार से श्रृंखलित सूचकांक की गणना। स्तर आधार विधि से श्रृंखलित सूचकांक की गणना, इसका फॉर्मूला है चेन इंडेक्स नंबर बराबर चेन इंडेक्स नंबर ऑफ प्रिसेंडिंग ईयर इनटू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय 100। यानी प्रिसेंडिंग ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, पिछला साल। तो गत वर्ष यानी पिछले साल का तो लेंगे चेन इंडेक्स नंबर इनटू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव, और डिवाइडेड बाय 100। और लिंक रिलेटिव होता है करंट ईयर प्राइस बटे बेस ईयर प्राइस इनटू 100। सूचकांक को ही एक तरीके से लिंक रिलेटिव कहते हैं। उदाहरण दिया है, निम्न समकों से 2007 के आधार पर, यानी 2007 के आधार पर ये अपने को सूचकांक निकाल कर दिए हुए। मूल्य अनुपात यानी प्राइस रिलेटिव, श्रृंखला मूल्य अनुपात यानी लिंक रिलेटिव। श्रृंखला मूल्य अनुपात का मतलब होता है लिंक रिलेटिव, तथा 2007 के आधार पर श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला मूल्य अनुपात या सूचकांक ज्ञात कीजिए। ईयर दे रखा है 2007 से लेकर 2015 तक, और प्राइस अपने को दी हुई है, यहाँ पर इंडेक्स नहीं दिया हुआ, प्राइस दी हुई है, कीमत। तो अपने निकाल देंगे, क्या क्या निकालने, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव यानी मूल्य अनुपात, लिंक रिलेटिव यानी श्रृंखला मूल्य अनुपात, एंड चेन इंडेक्स और श्रृंखला सूचकांक। एक तो निकालना है मूल्य अनुपात प्राइस रिलेटिव, एक निकालना है श्रृंखला मूल्य अनुपात यानी लिंक रिलेटिव, और एक है अपने को चेन इंडेक्स नंबर निकालना है। तो ईयर दे रखे 2007 से लेकर 2015 तक लिख लेंगे, और प्राइस दी हुई है, प्राइस हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइस रिलेटिव। ये इसमें कह रहा है कि 2007 को आधार मानना है, तो प्राइस रिलेटिव होता है करंट ईयर की प्राइस बटे बेस ईयर की प्राइस इनटू 100। करंट ईयर प्राइस बटे बेस ईयर प्राइस इनटू 100, तो बेस ईयर है 2007, तो बेस ईयर है 15, तो यानी बट्टे में तो 15 ही आएगा। तो पहले का तो 100 होगा, वैसे आप करो तो 15/15 इंटू 100, 18/15 इंटू 100 120, 20/15 इंटू 100 133.33, 23/15 इंटू 100 153.33, 27/15 इंटू 100 180, 30/15 इंटू 100 200, 33/15 इंटू 100 220, 35/15 इंटू 100 233.33, 42/15 इंटू 100 280। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे, करंट ईयर की प्राइस बटे बेस ईयर की प्राइस इंटू 100, और बेस ईयर लेना है 2007 को, तो बेस ईयर की प्राइस है 15, तो हरेक के डिवाइडेड में भाग में 15 ही आएगा। और अब अपन निकालते हैं लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव होता है करंट ईयर बटे प्रीवियस ईयर इनटू 100, करंट ईयर बटे प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो पहले का तो 100 ही होगा, सेकंड का 18/15 इनटू 100 120, 20/18 क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का भाग लगेगा, तो 20/18 इनटू 100 111.11, 23/20 इनटू 100 115, 27/23 इनटू 100 117.39, 30/27 इनटू 100 111.11, 33/30 इनटू 100 110,
35 बट्टे 33 इंटू 100 106.66 और 42 बट्टे 35 इंटू 100 120। लिंक रिलेट, लिंक रिलेट होगा करंट ईयर प्राइस बट्टे प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। और अब अपने को निकालना है चेन इंडेक्स बेस 2007 को लेते हुए। तो इसका यह आपके वो श्रृंखलित सूचकांक है, श्रृंखलित सूचकांक। तो पहले का तो इसमें 100 ही होगा, पहले का क्या होगा 100। सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या है कि अपने लिंक रिलेटिव तो लेंगे करंट ईयर का और चेन इंडेक्स लेंगे प्रीवियस ईयर का और डिवाइडेड बाय 100। तो लिंक रिलेटिव है 120, तो 120 इंटू चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का 100 है तो 120 इंटू 100 भाग 100 120। इसी प्रकार चेन इंडेक्स तो लेना अपने को प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ लेंगे प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स 120, तो 120 इंटू लिंक रिलेटिव करंट ईयर का 111.11 डिवाइडेड बाई 100 133.33। इसी प्रकार 10 में जाएं तो प्रीवियस ईयर का चेन 133.33 इंटू लिंक रिलेटिव करंट ईयर का 115 डिवाइडेड बाई 100 तो 153.33। इसी प्रकार 153.33 इंटू लिंक रिलेटिव करंट ईयर का 117.39 डिवाइडेड बाई 100 तो 180। 180 इंटू 111.11 भाग 100 200 इंटू 110 बट्टे 100 220 इंटू 106.06 बट्टे 100 233.33 और 233.33 इंटू 120 बट्टे 100 280। तो ये चेन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, चेन इंडेक्स नंबर लेंगे प्रीवियस ईयर का इंटू लिंक रिलेटिव करंट ईयर का, लिंक रिलेटिव करंट ईयर का और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा चेन इंडेक्स नंबर। तो ये बच्चों आपने देखा इस तरह आधार से श्रृंखलित सूचकांक की गणना है वो किस प्रकार की जाती है। धन्यवाद।